एवरीबॉडी, पारुल की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी, जो कि बहुत इजी है बनानी। पनीर एक ऐसी डिश है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको बहुत पसंद होता है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 100 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने क्रश कर लिया था। आप घर पर बना पनीर या बाहर का पनीर ले सकते हैं। तड़के के लिए एक अनियन, एक टोमेटो जिसको मैंने काट लिया है, 3/4 मिल्क, जीरा पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड क्यूमिन सीड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। एक कढ़ाई के अंदर पहले 2-3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लिया। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स ऐड कर दिए। 2-3 मिनट उसको सॉटे करने के बाद जब जीरा भुनना स्टार्ट हो गया, हमने अनियंस ऐड कर दिए। अनियंस मुझे ज़्यादा पकाने नहीं हैं, मुझे ट्रांसलूसेंट करने हैं। सो ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट ताकि अनियंस जो है वो जल्दी कुक हो जाए। जैसे कि मैं सारी वीडियोज़ में बताती हूँ, जब अनियंस ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे टोमेटोज ऐड कर दीजिए, मिक्स कीजिए। अब हम सारे मसालाज ऐड कर देंगे। 1-2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला। ये सब मिक्स करने के बाद तड़के को हम भुनने देंगे फॉर 3-4 मिनट्स। जब हमारा तड़का भुनना स्टार्ट हो जाएगा 3-4 मिनट के बाद, तो हम क्या करेंगे, हम अपना क्रश्ड पनीर ऐड कर देंगे। मैंने घर का पनीर लिया था, तो मैंने अपने पनीर को पहले गर्म पानी में बॉईल कर लिया था। तो तड़का जब भुनना स्टार्ट हो जाएगा, प्लीज़ ध्यान दीजिए, तड़का भुनने के बाद हमें पनीर डालना है। तो अब हमने पनीर ऐड कर दिया, पनीर को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जब पनीर मिक्स हो जाएगा, अब आप अपनी फ्लेम को लो कर लीजिए। तब हम दूध ऐड कर देंगे। दूध ऐड करने के बाद मिक्स कीजिए। और जब भी हमारा पनीर बीच में भुनना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल्स आने शुरू हो जाएंगे, 5-7 मिनट इसको लो फ्लेम के अंदर कुक कीजिए। और फिर चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ज़रूर ऐड करिए। कोरिएंडर लीव्स को अच्छे से मिक्स करिए, बिकॉज कोरिएंडर लीव्स का बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाइस। इससे ही हमारी जो पनीर की भुर्जी है वो ढाबा स्टाइल बनेगी। जब हमारे बॉयल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, 5-7 मिनट पका लीजिए और फिर कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दीजिए। और ये हमारी जो पनीर की भुर्जी है वो रेडी है। आप इसको फुलके के साथ खाइए, परांठे के साथ खाइए, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइज़।